गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो ब्राजीलियन सीरी ए लीग का मैच होने वाला है इंटर केशनल वर्सेस सीएचए के बीच। तो यहाँ पर ये जो मैच है जैकपॉट है, और ये जैकपॉट क्यों है, इसके पीछे का कारण सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो मानता हूँ छोटी रहेगी 3-4 मिनट की, लेकिन उसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, शायद मैं इस मैच की टीम ओपन दूँ, क्योंकि ये अभी आईपीएल के आई थिंक सेम टाइम पर स्टार्ट होगा ना। तो मेरे आईपीएल तो चलो मैं ओपन देता नहीं, लेकिन ये फुटबॉल में उसकी जगह दे दूंगा कि आप लोगों को फुटबॉल में प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। तो थोड़ा सा एक्चुअली 90-80% तो मेरे को लग रहा है कि हाँ जैकपॉट जाएगा ये मैच, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज मैं डिफेंडिंग से शुरू, सॉरी आज मैं स्ट्राइकिंग से शुरू करूंगा, आज मैं गोलकीपिंग से शुरुआत नहीं कर रहा। आपको एक चीज़ ना मेन समझानी है मैंने। सबसे पहला प्लेयर सीएचए का जी सेंटर सिल्वा, आपको पता है इसकी फॉर्म क्यों बिगड़ी हुई है, क्योंकि सीएचए टीम ने इस सीज़न ज़्यादा गोल नहीं किए, जबकि मैं जी सेंटोस सिल्वा की गलती नहीं दे रहा। अगर इसने बंदे ने एक गोल भी किया 5 मैच में, और अगर टोटली एक ही गोल है पूरे सीज़न में, तो मैं इस प्लेयर को बोलूँगा कि वो अपनी तरफ से अपना 100% बेस्ट दे रहा है, बट चल नहीं रहा, इसकी गलती नहीं है, क्योंकि डिफेंडिंग कमज़ोर है इस टीम की। तो मैं इस प्लेयर को फिर बोलूँगा हैट्स ऑफ इसकी प्लेइंग को, फिर भी कोशिश करता रहता है। वाई अल्बर्टो की बात करें, प्रॉपर फॉर्म में है ये प्लेयर, प्रॉपर। आज जो बंदे इसको छोड़ेंगे सबसे गंदा डिसीज़न होगा उनका। और आपको बता दूं, इसकी जगह एक और प्लेयर है जिसका नाम है टेसन। तो ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसका खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अल्बर्टो को जिन्होंने ड्रॉप कर दिया दे वर फ्लॉप्ड, और मैं चाहता हूँ मेरे ओपोनेंट ड्रॉप ही करें। तो आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, बेडे सिल्वा को लूँगा, ब्रूनो डी सिल्वा कोस्टा एंड वन अनदर प्लेयर आर फरेरा। इन दोनों की अच्छी बाउंडिंग आपस में ज़रूर है, लेकिन अगर आर फरेरा आज का मैच ना खेला तो आप इसकी जगह एक डिफेंडर ले सकते हैं, या फिर ट्राई कर सकते हैं नीचे से एक प्लेयर एंडरसन लीट। अगर आपने एंडरसन लीट या फिर आर फरेरा में से एक लेना है देन आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर फरेरा नहीं खेला देन लीट ही बनता। तो अभी आप लीट को ले लो, बाउंडिंग वैसे इसकी फ्रेरा के साथ अच्छी थी बट ही वॉज नॉट प्लेइंग, सो बीडे सिल्वा एंड लीट वर मतलब ये दोनों लेंगे। आगे से बात करूँ एंड्रिड की, एंडलसन, एंड्रिड को मैं अपना कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रखूंगा ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, जबरदस्त फॉर्म में। अगर टीम ने अगर पूरे सीजन 20 बॉल की है तो कम से कम 12 गोल इसके होंगे, 8 गोल होंगे अल्बर्टो के, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे, इतना ज़्यादा 100% बता रहा हूँ। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, रॉड्रिगो ने भी लास्ट मैच में गोल किया था जो ड्रीम 11 पे ऐड हुआ नहीं। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो छिप जाती हैं, जो पता नहीं चल पाती आपको, तो वही काम है पहुँचाना आपके पास मेरा, ठीक है। आगे से बात करूँ डिफेंडर की, वी यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर विक्टर क्यूस्चा। विक्टर क्यूस्चा की जगह अगर एक प्लेयर है जिनका गैब्रियल एक्चुअली ना क्या है, एक्सपीरियंस बहुत है गैब्रियल को, मतलब एक्सपीरियंस बंदा होगा, भले मैं कहता हूँ चलो प्लेइंग जैसी मर्जी हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस होगा तो बंदा एक कुछ ना कुछ कर ही देगा गेम में। आगे से बात करूँ मेंडिस की, तो यहाँ पे लूँगा ब्रूनो मेंडिस को, बिल्कुल भी मत छोड़ना इस प्लेयर को। मैं कहता हूँ एक भी इंस्क्रिप्शन वॉन ना करे, मैं कहता हूँ चलो अगर एक भी टैकल वॉन भी नहीं करता, लेकिन पासिस तो कंप्लीट करेगा, वरना बॉल कैसे पहुंचेगी स्ट्राइकर्स तक। और आगे से बात करूँ रॉबर्टो की, तो यहाँ पर है मॉइसेस रॉबर्टो बारबोसा। सबसे बढ़िया डिफेंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से दो है, एक और रॉबर्टो एंड एच रॉड्रिगस। एच रॉड्रिगस नेक्स्ट लेवल खेलता दिखेगा अगर ये बंदा फोर्थ डिफेंडिंग पे रहा, और अगर ये ना खेला और अगर जेड गैब्रियल खेला तो मैं कहता हूँ उस जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि लिटरली देखते रह जाएंगे आपके ओपोनेंट्स आपको। बात करें गोलकीपर की, केडे सिल्वा को लूँगा। पेनल्टी सेवर का एक बहुत ज़बरदस्त रोल होता है भाई फुटबॉल में, तो केडे सिल्वा के साथ हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन की, मेरा कैप्टन है अल्बर्टो। मेरे को पता है कई लोग दंग हो गए होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक इसकी सिलेक्शन अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्बर्टो मेन प्लेयर है। मैं ये अनोखा नहीं हूँ भाई, और भी एनालाइज करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। तो अल्बर्टो को आपको आप लोग कैप्टन रखो, ये मत देखो मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये देखो कि मैं सेफ जा रहा हूँ। एंड्रेड की बात करूँ, एंड्रेड वॉज ए नाइस प्लेयर, ये है स्मॉल लीग टीम, इफ यू आर प्लेइंग जीएल और मिनी जीएल तो आपको कैप्टन रखना है एंड्रेड को, वाइस कैप्टन अल्बर्टो को, ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है। मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि आई एक टीम है ना जो INTN, इनके फेवर में ही रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।